हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोची रूट टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिस पर कोची रूट टेस्ट क्या होती है, कब अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पहले उसे देख लेना, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में सारे आ जाएंगे। तो बेसिकली कोची रूट टेस्ट तब अप्लाई किया जाता है जब आपकी सीरीज की पावर n में वेरी करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें इस सीरीज का कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ x नहीं है तो हम इसे x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/3 x की पावर 1 है, 2/3 की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पर 3/4, यहाँ 2 है तो 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, x की पावर 2, फिर 2, यहाँ 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है, ठीक। ये हमारी सीरीज है, तो हमारा जो un होगा वो क्या होगा, सीरीज का जो जनरल टर्म होगा। देखिए x की पावर n है हमने मान लिया, क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो पावर में भी 1 है, अगर यहाँ n है तो यहाँ पावर में भी n होगा, अगर यहाँ 1 था तो यहाँ 2 था, यहाँ n है तो अंदर n प्लस 1 होगा, और यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n प्लस 2 से और एक ज़्यादा था तो यहाँ n प्लस 1 होते, नीचे क्या होगा, n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा un है। अब कोची रूट टेस्ट में क्या होता है, जो un होता है, un की पावर 1/n हमें चाहिए होती है, तो 1/n ले लेंगे, ये भी पावर में इसके साथ भी आ जाएगा और ये भी पावर में इसके साथ भी अपॉन में n आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू में x। फिर क्या करना होता है आपको, इसकी वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक करनी होती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है तो कन्वर्जेंस होता है, और ग्रेटर देन 1 होती है तो डाइवर्जेंस होता है। तो ले लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो यहाँ से n कॉमन होगा, नीचे से भी n कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर बचेगा n कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ कॉमन नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा, नीचे भी वही चीज़, n से n कैंसिल आउट, ठीक है। n की प्लस इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा, और x कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना है, हम कैसे बता दें कि ये डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी, तो उसके लिए आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी कि सो भाई कोची रूट टेस्ट, इफ x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर 1 से बड़ी होगी तो डाइवर्जेंट होगी। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल्कुल